मध्य प्रदेश से है, जहां के सबसे बड़ी सौगात मानी जाए वाली रीवा सीधी टनल मोहनिया टनल जगह कहा था। बताए दे कि एशिया की सबसे बड़ी टनल के तौर पर जहां यह मध्य प्रदेश का सौगात के तौर पर मिली है, तुम्हें अब बड़े नेतन के व्यस्तता के कारण एक लोकार्पण जो है वह नहीं हो पावा लगा है। और कहा ना कहो यह वजह है कि अब यह टनल जो है आम लोगन खातिर खोल दिन गए भाई, छोट और बड़े वाहन अभी टनल से गुजर रहा है, दौरान गुजरे वाले लोगन के रोमांचक अनुभव हलाए बतावे जा रहा। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचायत सब जाने का प्रणाम कहते शुरू करी थी बड़ी खबर से। बता दी के रीवा सीधी मोहनिया टनल बताए दी कि बिना लोकार्पण के जो है शुरू हो चुकी है, एशिया के सबसे बड़ी सुरंग माने जा रहा है। बताए दी कि यह मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी सौगात के तौर पर यह टनल का देखा जा रहा है। हालांकि यह टनल बता दी कि लोकार्पण में अब टनल के देरी हो रही और एक कारण जो है बड़े नेतन के कार्यक्रम के निश्चित तो हो नहीं बतावा जा लगा। बता के बड़े नेतन का व्यस्तता के कारण यह टनल के लोकार्पण काम नहीं हो पावा लगा। हालांकि सांसद और विधायक के कहे के बाद अब एमा वाहनन के आवाजाही का शुरू कई दिन का है। बता दी कि टनल के शुरू होए के बाद अब सब छोट और बड़ा वाहन टनल से बेरोक टोक निकले लगे। हाँ, टनल के आरंभ होए के बाद जौन वाहन सवार बता दी कि करीब 2 किलोमीटर टनल के अंदर यात्रा कर रहे हैं, वो रोमांच के अनुभव ले रहे हैं। टनल के अंदर से यात्रा करे वाले कई लोगों के द्वारा बतावा गया कि टनल के अंदर तेज लाइटिंग समेत सलगी सुविधा उपलब्ध ही साथ साथ टनल का भीतर और बाहर से घलाए आकर्षक बनावा गया है। बता दें कि टनल के शुरुआत हो जाए के बाद रीवा और सीधी के बीच के दूरी 7 किलोमीटर तक कम हो गए। वाहनन का रीवा और सीधी के आवे जाए खातिर अब बता दें समय के घलाए बचत हुई, रोमांच जो महसूस हुई, गर्व महसूस हुई कहो न कहो प्रदेश के लोगन का टनल से गुजरे वाले लोगन का। वो अलग से बता दें कि जानकारन के कहा है कि टनल के लोकार्पण खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बात कही गई भाई, एक ही प्रयास में राज्य सरकार लगी है। बता दी कि लोकार्पण खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंच सका था। एक लेके निर्माण एजेंसी में उत्सुकता घलाई बनी है। बता दी कि कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और यही के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यस्त नजर आ रहे हैं और यही कारण जो है लोकार्पण के कार्यक्रम तय नहीं हो पावर लगा है। बता दें कि मोहनिया टनल के जो निर्माण काम है वो पूरा हो जा चुका है। वाहन सवार यहां से बता दें कि लगातार गुजरे के जिद में अड़े रहे हैं। कहूँ न कहूँ यही के सब के मद्देनज़र जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी के चर्चा के बाद अभी टनल का आम जनता खातिर खोल दिन गए। बता दें कि यह रीवा सीधी यह टनल जोन ही वह मोहनिया पहाड़ में बनी है, जहाँ करीब 1004 करोड़ के लागत से टनल के निर्माण की गए। काम होए के दौरान बता दी कि बहुपयोगी बनवे के पूरा ख्याल टनल में रखा गया। ये बात के खास ध्यान रखा गया कि भविष्य में वाहनन की अगर संख्या बढ़ा थी तो ओ के दौरान वाहनन की संख्या बढ़े कर टनल के भीतर से प्रवेश करे और या फिर निकले में कोनो मेर की दिक्कत के सामना ना करे पड़े। बता दी कि 3 लेन की या टनल ही वह 3-3 लेन के बता दी कि 2 सड़क बताई जाती है। एक टनल की चौड़ाई जो है टनल के 13 मीटर है। मसलन एक टनल में एक तरफ से 3 वाहन जो है एक साथ गुजर सका था। दोनों टनल के बीच 3 जगह में बता दें कि इंटरपासिंग की व्यवस्था की गई है। जोनिमा टनल के भीतर जाए के बाद वाहन बीच से घलाए लौट सका था। टनल सीधी के ओर से करीब 12.5 मीटर और रीवा के तरफ से 500 मीटर के अप्रोच रोड में है। बता दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 रीवा सीधी के दूरी पहले 82 किलोमीटर रही, जो अब टनल के शुरू हो जाए के बाद 7 किलोमीटर की यह दूरी घट चुकी है। बता दी कि लाइनिंग मोहनिया टनल मैनेजर धर्मेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक इस मामला में सीधी सांसद विधायक सहित दूसरे प्रशासनिक अधिकारी से घलाए चर्चा की गई, जिसके निर्देश के बाद मोहनिया टनल का वाहनन के आवाजाही खातिर खोल दिन गया है। टनल के काम पूरा हुए जाए के बाद वाहन सवार भीतर से गुजरे के जिद करत रहे और कहो न कहो लोगन का पहाड़ के चढ़ाई चढ़त समय दिक्कत हो रही और इन सब के मद्देनज़र अधिकारियों से और जनप्रतिनिधि से चर्चा करे के बाद यह सौगात जो है वह आम जनता खातिर खोल दिन गया है, जहां आम जनता अब टनल से अपन वाहन के साथ गुजर रही है, रोमांच के अनुभव ले रही हैं और रोमांच के अनुभव दूसरों बता दें कि दूसरों के साथ ही अपन बताए रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी सौगात है पूरे मध्य प्रदेश का। खास तौर पर अगर विंध की बात की जाए तो पूरे विंध का एक बड़ी सौगात ही और विंध्यवासियों के गौरव के खातिर या कहो ना कहो सम्मान की खबर ही बैठे। इजाज़त रखें अपन और अपने परिवार के ख्याल थोड़ा।